कल मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन में एल्कीन की स्टेबिलिटी बताया था। दो तीन क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे CF3CH2, CCl3CH2 और CBr3CH2, ये इंडक्टिव इफेक्ट पे सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ पे फ्लोरीन लगा दें तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, तीन फ्लोरीन लगे हुए हैं, फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर पुल करेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। यहां पर देखो तो CCl3CH2 है, Cl का माइनस आई इफेक्ट कमजोर होता है, डिस्टेंस सेम है, तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा जितना फर्स्ट वाले में बढ़ेगा। थर्ड वाले में देखें तो तीन Br है, Br का माइनस आई इफेक्ट फ्लोरीन और क्लोरीन से कम होता है, इसलिए यहां भी ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा पर उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि पहले और दूसरे में बढ़ा है। देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस वन, CBr3CH पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन दिस वन। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन आई इफेक्ट। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच यू कुड हैव सॉल्व वेरी इजीली, इट इज बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कल मैंने आपको बताया था अल्फा हाइड्रोजन देख लिया करें आप, तो फिलहाल यहां पर ये रहा अल्फा कार्बन, क्योंकि कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इस पर ऑलरेडी तीन बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब एक हिडन हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज आपको दिख रही है वो ये है कि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सॉरी, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन विथ वन अल्फा हाइड्रोजन। नाउ सी दिस, दिस इज अगेन अ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बट इट हैज टू अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन विथ टू अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज आई थिंक सेम बना दिया हुआ, ओके। देयर मस्ट बी अ मिसप्रिंट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज दोनों ही 1 डिग्री 1D बनाया और दोनों पे ही अल्फा हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर दैट बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम डिग्री और अल्फा हाइड्रोजन भी दोनों में बराबर है। सो बेटर इज दैट ड्रॉ अ पॉजिटिव चार्ज इन दिस क्वेश्चन हेयर, मेक अ करेक्शन इन दैट क्वेश्चन, कुछ पॉजिटिव चार्ज का मिसप्रिंट हुआ हो तो इस पॉजिटिव चार्ज को आप इधर ट्रांसफर कर दें। यदि पॉजिटिव चार्ज इधर हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में 1, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर टोटल अल्फा हाइड्रोजन आर 3 + 3 = 6 + 2 = 8 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर, सो मोस्ट स्टेबल इज देन सी एंड देन इट इज बी एंड देन इट इज वन। जनरली इसकी कंपेरिजन आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के आधार पर कर सकते हैं, सो दिस इज 3 डिग्री कार्बो कटाई। नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज नेगेटिव चार्ज ओवर हेयर, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो दिस इज नेगेटिव चार्ज, वहां पर भले प्रिंट जो है वो एक बॉक्स के रूप में हो गया बट दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। यू नो दिस, द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि आप यहां पर देखोगे तो ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp hybridized, one sigma bond and one lone pair, therefore the carbon is sp hybridized and a carbon which is sp hybridized is more electronegative than nitrogen at its electronegativity 3.25, therefore this carbon is sp hybridized, it is highly electronegative, negative charge is more stable on electronegative elements, therefore this is more stable,
Now see this, this carbon is sp2 hybridized. There is one lone pair with two sigma bond, one with the hydrogen and one with the carbon. Therefore, two sigma bond and one lone pair hybridization is sp2. A sp2 hybridized carbon has an electronegativity of 2.85. Therefore, its negative charge will be stable on sp2 hybridized carbon when compared to sp3 hybridized carbon. क्योंकि यहाँ पे तीन सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ एटम, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन दैट एटम विल बी, बिकॉज़ यू नो दिस, मतलब के जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही अधिक स्थिर हो जाएगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. द सिंपल लॉजिक इज दैट द वन विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर and will not let that electron go away from that. Therefore, the stability of negative charge on that atom will be greater. This is sp hybridized, sp2 hybridized. The electronegativity of sp hybridized carbon is 3.25 and electronegativity of sp2 hybridized, sp3 hybridized carbon is 2.5. Although, यहाँ पर ये कहना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एग्जैक्टली 2.5 होगी ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन भले sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज आने के साथ ही एटम का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, और यदि उसका साइज बड़ा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी सी गिर जाएगी, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से थोड़ी सी नीचे हो सकती है. नाउ इन द लास्ट क्लास I explained you the stability of alkenes. Now we shall discuss. Last class में हमने stability of alkene discuss किया था. मैंने last question जो आपको solve करवाया था, वो कुछ ऐसा था. And you told me that the cis is less stable when compared to the trans. Number of alpha hydrogen were equal in all three cases. 6 alpha. Again, 6 alpha. यहाँ पे एक hidden hydrogen लगा दो और यहाँ पर एक hidden hydrogen लगा दो. So there are 6 alpha. यहाँ पर आ जाएं आप. यहाँ पर भी double bond draw कर दें और इधर भी हो जाएगा 6 alpha. Now. There are 6 alpha hydrogens which are present in all the 3 cases. Now, we have to compare that which is more stable. If you see this case of second and third, you can easily say that this is a trans form and that is a cis form. Therefore, the trans form is more stable when compared to the cis form. Now comes this one, the experimental data for this question comes that this is more stable than these two figures. I'll give you a probable reason for that. कि यदि मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां फ्लो करेगी और ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर जाएगा, जबकि इस केस में यदि देखूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहां से यहां ब्रेक होती है तो उसी वक्त हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां ब्रेक होने की कोशिश कर रही होगी. यदि दो अपोजिट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ब्रेक होगी तो यहां पर डबल बॉन्ड टिका रहेगा, जिसके कारण यहां पर अनस्टेबिलिटी इंड्यूस हो जाएगी. सो दैट इज अ बेसिकली अ टाइप ऑफ हाइपर, दैट इज अ बेसिकली अ टाइप ऑफ क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन. दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोच कर रही है, जिसकी वजह से बॉन्ड वहां पे थोड़े समय के लिए टिक जाएगा, जिसके कारण अनस्टेबिलिटी हो सकती है. सो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी वर सॉल्विंग. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. एल्कीन की स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन मैं आपको दूं तो, जैसे इसकी बात करें तो this alkene is more stable or this alkene is stabilized because of hyperconjugation. इसको mark कर दो. और यदि यहां पर आप देखेंगे तो there are 12 alpha hydrogens. इसकी comparison में यदि ये alkene देखो तो this is less stable because in total there are 9 alpha hydrogens. So total structure form will be 10. यदि next alkene को देखें आप तो
this is first one having 12 alpha hydrogen, second one having 9 alpha hydrogen, then third one 6 alpha, again 6 alpha, again 6 alpha. These three I have discussed right now. अभी भी मैंने discuss किया आपसे. इनको देखो तो 12 अल्फा का मतलब टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे 13, बिकॉज 12 प्लस 1. इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं वो बात मैंने कल आपको थ्योरेटिकली समझाई थी. H ये इधर से इधर बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बॉन्ड इधर से इधर ब्रेक कर जाएगा. देयरफॉर एक स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इधर H प्लस आ जाएगा, जैसा कि कल समझाते हुए मैंने आपको एल्कीन्स के साथ में इस एग्जाम्पल से समझाया कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ब्रेक होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ब्रेक हो जाएगी. देयरफॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर विच इज फॉर्मड इज लाइक दिस. अभी एक H प्लस ब्रेक हुआ है, फिर एक और, फिर एक और, तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हुए, 4, क्योंकि तीन स्ट्रक्चर तो इसी के साथ बन जाएंगे और एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही है. यहां पर देखो, यहां पर तीन स्ट्रक्चर इसके साथ बनेंगे, तीन इसके साथ, 3 more and 3 more, तो 12 स्ट्रक्चर हो गए प्लस 1 ओरिजिनल स्ट्रक्चर. देयरफॉर देयर आर 13 स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. इसके बाद आप आगे वेरी करते जाएं तो यहां पे 10 बनेंगे, यहां 7, वहां 7 और वहां 7. बट दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन बिकॉज दिस इज अ ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज अ सिस फॉर्म. इसमें देखें तो इसमें क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है, जबकि इसमें कुछ हद तक क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा. देयरफॉर दिस विल बी मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस वन. अब सवाल ये उठता है कि क्रॉस हाइपर कॉन्जुगेशन तो इधर भी मिल सकता है, बट नो प्रॉब्लम सिंस द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉन आर मोर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अफेक्टिवली बहुत बड़े एरिया पर डिस्पर्स हो रहा है. देयरफॉर दिस इज मोर स्टेबल. ये कंसेप्ट आप सिर्फ तभी प्रयोग करें जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपको बराबर हो रहे हैं. Therefore, you can remember that this is more stable when compared to this one by having this factor of cross hyper conjugation. Otherwise, जहां पे alpha hydrogen ज्यादा होंगे वही alkene ज्यादा stable होगा, वहां आपको cross hyper conjugation नहीं देखना. But जहां पे alkenes के, जहां पे alpha hydrogen बराबर हो जाए वहां पे आप ये factor देख सकते हो. Otherwise, इसका explanation जो है वो दिमाग में नहीं आता कि क्यों this is more stable when compared to this one. तीनों में 6-6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट. ड्रॉ इट नाउ. लेट अस सी द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स. स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स बेस्ड ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन. अभी मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया, इससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. आप लोग चाहें तो लिख लें वहां पे नोट, इंडक्टिव अफेक्ट कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. इंडक्टिव अफेक्ट कैनॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. इसी प्रकार हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करता है जो इंडक्टिव अफेक्ट एक्सप्लेन करता है. सो यू कैन राइट देयर ऑल्सो नोट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कैनॉट बी एक्सप्लेन बाई हाइपर कॉन्जुगेशन. कैनॉट बी एक्सप्लेन बाई हाइपर कॉन्जुगेशन. देखें इससे पहले मैं आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी बताऊं, उसके पहले मैं आपको जो सेंटेंस आपने लिखा है कार्बेनाइन उसके बारे में बता देता हूं. देखो बेटा, मैंने आपको बोला था कि माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनटू एडजेसेंट वेकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन. बट यदि इस ऑर्बिटल को देखो तो यहां पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल इस कार्बन पर नहीं है, क्योंकि तीन बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है. इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तीन बॉन्ड बना रहे हैं, एक कार्बन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ और एक लोन पेयर बचे हुए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में. इसका मतलब कोई भी खाली ऑर्बिटल यहां पर मौजूद नहीं है. ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक कर ही नहीं सकता. देयरफॉर हाइपर कॉन्जुगेशन विल नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है. इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विथ नो वेकेंट ऑर्बिटल. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब चार ऑर्बिटल sp3 होंगे. एक sp3 इसमें गया, एक sp3 इस बॉन्ड को बनाया, एक sp3 ने इस बॉन्ड को बनाया, एक और sp3 बचा, उसके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होगा. इसका मतलब कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है और ना ही हो सकता है. ना ही ये हो सकता है कि यहां से ये लोन पेयर कहीं और जंप कर जाए. देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन दिस स्ट्रक्चर.
इसलिए कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं समझाता। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बताऊं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। जैसे मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बताया था, सी यहां यदि आप ध्यान दें तो CH2 रेडिकल बना हुआ है, इधर दो हाइड्रोजन के साथ यदि कार्बन बॉन्ड बनाता है आयन, तो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के लिए हो जाएगा sp2, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो लोन पेयर विच इज प्रेजेंट ओवर हियर। देयरफॉर यहां पर मैं एक p ऑर्बिटल ड्रॉ कर सकता हूं, दिस इज अ वेकेंट p ऑर्बिटल विच इज सिचुएटेड ओवर हियर। जब भी रेडिकल्स आपको मिलेंगे तो रेडिकल मिलने पर फिजन जो होता है हरदम, द फिजन विल ऑलवेज बी होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन मतलब बॉन्ड टूटेगा बराबरी से, होमोलिटिक फिजन विल बी देयर। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, बॉन्ड कैसे टूट गया, होमोलिटिकली टूट गया। ये बॉन्ड पहले H+ में टूटता था और नेगेटिव चार्ज इसको ट्रांसफर हो जाता था, अब रेडिकल की प्रेजेंस में बॉन्ड हरदम होमोलिटिकली टूटता है। बॉन्ड का अपना इलेक्ट्रॉन H ले जाएगा और कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां जंप करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। यहां अनस्टेबिलिटी वाली बात क्या है कि कार्बन पर रेडिकल स्थिति है, और यह अच्छी स्थिति नहीं है, बुरी स्थिति है, क्योंकि कार्बन पर यदि रेडिकल बना हुआ है इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन बैठा हुआ है, विच इज अ अनस्टेबल सिचुएशन। तो ऑब्वियसली ये चाहेगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए, तो इट इज अ अनस्टेबल सिचुएशन। अब जब यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया, यहां क्या बन जाएगा, CH2, तुरंत ये बॉन्ड वापस से रीस्टैब्लिश होगा, और ये बॉन्ड वापस से जब रीस्टैब्लिश होगा तो अब की बार ये वाला टूटेगा, तो नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नया स्ट्रक्चर बनेगा HCH रेडिकल डबल बॉन्ड CH2, इसके तुरंत बाद एक और नया स्ट्रक्चर बनेगा एंड दैट विल बी H रेडिकल CH, वन मोर H डबल बॉन्ड CH2। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हियर इज 4 अगेन। यहां भी आप अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते थे, जिस कार्बन पर रेडिकल है उसके बगल वाले कार्बन को आप देखो, उस पर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या गिनो, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा मिलेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। नोट इट डाउन, रेडिकल की स्टेबिलिटी देखने के लिए आप अगेन अल्फा हाइड्रोजन देख लिया करें, जैसे कि यहां एक रेडिकल बना दिया मैंने, दिस इज अ 3° रेडिकल, क्योंकि जिस कार्बन पर प्री इलेक्ट्रॉन है उसके बगल में 3 अल्फा कार्बन है जिसपे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो यहां बनेंगे वो बनेंगे 9+1=10, एंड दिस इज ए 3° रेडिकल। ये 3° रेडिकल है, यदि मैं ये बना दूं तो यहां पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये उसी कार्बन पर प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन मतलब जिस कार्बन पर रेडिकल प्रेजेंट है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। यदि ये C+ होता तो भी इसको अल्फा कार्बन बोलते, C नेगेटिव होता तो भी इसको अल्फा कार्बन बोलते ना। इसके बाद CH3 CH2 रेडिकल, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अ 3° रेडिकल, दिस इज ऑब्वियसली अ 2° रेडिकल, क्योंकि जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो स्वयं दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। यदि यहां पर देखें तो आप, तो दिस इज 1° रेडिकल, क्योंकि जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो स्वयं एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस इज 1° रेडिकल। तो यहां पे टोटल स्ट्रक्चर 4 बनेंगे, 4, यहां पे टोटल स्ट्रक्चर 7 बनेंगे क्योंकि 6 अल्फा प्लस 1, और यहां पे टोटल स्ट्रक्चर 10 बनेंगे, 9 अल्फा प्लस 1।
therefore this is more stable when compared to this one, when compared to this one, when compared to this one. There is no alpha hydrogen which is present in the last example. So stability order 3 degree, more than 2 degree, more than 1 degree, more than methyl radical. Now see, जिस कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ और इस पर एक ही हिडन नाइट्रोजन है, इट इज अ वन डिग्री रेडिकल विथ वन अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देयरफॉर वी विल से दैट इट इज अ वन डिग्री रेडिकल हैविंग वन अल्फा हाइड्रोजन. सी दिस वन, इट इज अ टू डिग्री रेडिकल, क्योंकि जिस कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कार्बन स्वयं दो कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, देयरफॉर इट इज अ टू डिग्री रेडिकल एंड देयर आर थ्री अल्फा हाइड्रोजन. देखो तीन बॉन्ड तो कार्बन ऑलरेडी बनाए, मतलब एक हिडन हाइड्रोजन होगा यहां पे, ये वाला कार्बन एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इस ओर बनाए, इसका मतलब इसमें दो हिडन हाइड्रोजन और होंगे. ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन पे उपस्थित जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. देयर इज वन एंड टू, थ्री अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ टू डिग्री रेडिकल. थर्ड वाला यदि आप एग्जाम्पल देखें तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर देखें आप, दिस इज टू अल्फा हाइड्रोजन और यहां भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर यदि आप देखें तो तीन अल्फा हाइड्रोजन यहां पर. देखे बेटा, जिस कार्बन पर फ्री रेडिकल, जिस कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है उससे जुड़े हुए कार्बन देखें, दो कार्बन ही है और एक कार्बन ही है, देयरफॉर इन टोटल देयर आर थ्री अल्फा कार्बन and on alpha carbon count the number of hydrogen atoms. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is 3 degree radical plus 7 alpha hydrogen. Obviously beta, hyper conjugation kahan pe zyada mil raha hai? Last structure mein hyper conjugation dekhne ko zyada mil raha hai, fir second mein, fir one mein, therefore stability ka order ho jayega, this greater than this greater than. One more question. Now see this. This is 1 degree radical, क्योंकि ये एक ही कार्बन जुड़ा है और इसमें सिर्फ एक ही हिडन हाइड्रोजन है. So 1 degree radical with 1 hydrogen, alpha hydrogen. Therefore total structure 2 बन जाएंगे. It is a 3 degree radical, क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है. यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे एक हिडन हाइड्रोजन, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन. इस केस में 2 डिग्री रेडिकल है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, यहां पर एक हिडन हाइड्रोजन और यहां पर दो हिडन हाइड्रोजन, देयरफॉर देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन इन टोटल. द स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है इसका हो जाएगा 2 देन 3 एंड देन 1. नाउ इन हाइपर कॉन्जुगेशन दैट वाज रिगार्डिंग द फ्री
फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन के क्वेश्चंस में आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिलेगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कैलकुलेट करो। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी व्हेन नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड और नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सीधा लिख दो, मल्टीपल बॉन्ड्स आर सेम, व्हेन नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर सेम। इस बात का मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको निश्चित रूप से ज्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर में मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आई टेल यू कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है बाद में, क्योंकि किताब में इतनी लाइन लिखते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा देख सकते हैं। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो उतना ही कम होगा। सवाल ये है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता क्या है। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का कंसेप्ट थोड़ा पढ़ा होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। जैसे कि आपके पास एल्कीन है CH2, और इसको आपने H2 के साथ ट्रीट किया हाइड्रोजन गैस के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटलिस्ट एंड सम टेम्परेचर, मे बी समटाइम्स टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड समटाइम्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द कैटलिस्ट दैट यू हैव। बट जब H आकर के यहां अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2H, सो बेसिकली यू विल ऑब्टेन एल्केन एंड हियर यू हैव एल्कीन। यदि आप देखो तो एल्कीन्स आर लेस स्टेबल व्हेन कंपेयर टू एल्केन्स। यदि ये लेस स्टेबल है तो इस स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होगी और इस स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी। मतलब जब ये स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एच। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब आप सोचो यदि कोई स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा स्टेबल है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होगा, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर, मैं भी आपको ये और ज्यादा थोड़ा समझाता हूं, ये एल्कीन है आपके पास, यदि एल्कीन पहले से स्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी लो होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। और यदि इसकी एनर्जी पहले से कम है तो इसके प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो रही है, प्रोडक्ट की एनर्जी भी कम हो रही है, बिकॉज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन एल्कीन्स, एल्कीन्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन एल्कीन्स। और यदि मान लो एल्कीन पहले से ज्यादा स्टेबल है तो इनकी दोनों की एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, छोटा होगा। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। सो लेस द डेल्टा एच मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यदि डेल्टा एच कम आया है मतलब एल्कीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ज्यादा स्टेबल था तभी डेल्टा एच कम आया। यदि मान लो आपने हाईली अनस्टेबल एल्कीन लिया तो एल्कीन से जो एल्केन बनेगा इनकी एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वो काफी बड़ा होगा, तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा आएगी। इसका मतलब आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, द एल्कीन विच वॉज देयर वॉज ऑफ लेस एनर्जी, वॉज ऑफ मोर एनर्जी, देयरफोर इट वॉज अनस्टेबल। अब समझे, जैसे मान लो मेरे पास CH3CCCH3CH3CH3 ये एक एल्कीन है और एक एल्कीन मेरे पास ये है, ऑब्वियसली आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट, एक एल्कीन मेरे पास ये है, इसको भी इसी फॉर्म में बना देते, सेम चीज है, ओके। नाउ देयर आर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन, नाउ देयर आर टोटल सॉरी 12 अल्फा हाइड्रोजन,
9 alpha hydrogen and 6 alpha hydrogen. Also, one more. Now, if anybody is asking you a question, या मैं उसको भी fix कर दूं बीच में, जो एक बार अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये वाला structure. थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है स्टेबिलिटी से. तो आप देखें इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है. यहां सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन है ये पहला वाला, बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन दैट आर प्रेजेंट. दूसरा स्टेबिलिटी इसका है, तीसरा स्टेबिलिटी इसका है, चौथा इसका है और पांचवा इसका स्टेबिलिटी. यदि किसी ने आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर पूछा तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर यहां पर हो जाएगा. सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहां पे होगी, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा. देयरफॉर 5 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन.